पब्लिक के छोटे छोटे काम नहीं होते हैं। दाखिले 5000 से ज्यादा दाखिले जो है, जाति दाखिले, जाति प्रमाण पत्र, वो पेंडिंग तहसील में पड़े हैं, वैसे तहसीलदार कार्यालय में। ये लोग बोलते हैं हमको खाजगी इसमें चाहिए, तो क्या काम कर रहा है? तो ये काम ये होता है, फेरफार नोंदनी करने का, धन उगाही होता है, पैसा उगाही होता है। इसके लिए पब्लिक का काम से इनको कोई सरोकार नहीं है। तहसील कार्यालय सबसे भ्रष्ट कार्यालय, मैं ये कहूंगा, सबूत के साथ कहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली। दोस्तों आज का जो वीडियो है इसको जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आगे वीडियो में आपको कई सारी जानकारी, कई सारे खुलासे जरूर मिलेंगे, अंत तक जरूर देखिए। मैं बात करता हूं आज वैसे ही तहसील कार्यालय में जारी भ्रष्टाचार की। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कल वैसे ही तहसील कार्यालय के दो अधिकारी और एक प्राइवेट व्यक्ति, उसके ऊपर एंटी करप्शन की रेड हुई। एंटी करप्शन यूनिट थाने ने रेड की और रेड में 3 दिनों को रंगे हाथों पकड़ा है। 1,20,000 रुपये की मांग की थी उन्होंने घूस की और 45,000 रुपया उन्होंने हाथ में स्वीकार किया। ये बात, ये प्रेस नोट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये प्रेस नोट जो है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एंटी करप्शन ब्यूरो थाने का ये यूनिट का ये कार्यवाही था, उसमें तकरारदार पुरुष वय 23 वर्ष, आरोपी एक शशिकांत मधुकर पड़ौले वय 51 वर्ष, मंडल अधिकारी वसई, दूसरा आरोपी विलास धर्मा करे पाटिल 39 वर्ष, तलाटी सजा ससुनगर वसई, और तीसरा प्रवीण छबूलाल मावी माड़ी वय 43 वर्ष, खाजगी इसम। ये खाजगी इसम, ये वर्ड आप याद रखना, इसका मैं बाद में और भी जिक्र करने वाला हूँ। इन 3 जनों ने 1,20,000 रुपये की मांग की थी और फिर मामला 70,000 रुपये लाचे की मांगनी, 1,20,000 रुपये मांगनी के लिए तड़जोड़े अंती ठरलेली रकम 70,000, लाच स्वीकार ली 45,000, हस्तगत 45,000, लाचे की मांगनी 21/12/2021, लाचे स्वीकार ली 21/12/2021 रोजी 18:53 यानी शाम के 6:53 7 बजे के आसपास की ये कार्यवाही हुई। लाच का इसमें कारण लिखा हुआ है, कारण है यातील तक्रारदार याना त्याचा कड़ील कामामध्ये 7/12 व जमिनीचे फेरफार नोंद करण्याकरिता नमूद आरोपी क्रमांक 3 यानी तक्रारदार यांच्याकडे 1,20,000 रुपये लाचेची मागणी करून तडजोडी अंती आरोपी क्रमांक 2 याने 70,000 रुपये लाचेची मागणी केल्याने व सापला कारवाई, तक्रारदार यांच्याकडे आरोपी क्रमांक 1 याला 25,000 रुपये व आरोपी 2 याला 20,000 रुपये लाचेची रक्कम स्वीकारताना रंगे हात पकडण्यात आले आहे। पुढील कारवाई चालू आहे। इसमें इनकी पूरी टीम का नाम है बाद में नीचे, सापला पदक अश्विनी संतोष पाटिल, पुलिस उप निरीक्षक, पूरे इनकी टीम है। उसके बाद में पालघर जिला तिल सरना इनका आह्वान है कि अगर कोई आपसे घूस की मांग करता है तो आप उनके ऊपर, उनके खिलाफ एक्शन कंप्लेन कीजिए, एंटी करप्शन ब्यूरो कार्रवाई करेगा। तो ये तो था एंटी करप्शन ब्यूरो का जो प्रेस नोट आया, मैंने आपको बताया। अब आपको ये भी बता दूँ कि एंटी करप्शन ब्यूरो का जो प्रेस नोट है, इसमें इन्होंने 3 लोगों का नाम लिया है, एक मंडल अधिकारी, दूसरा तलाठी और तीसरा खाजगी। इसमें मंडल अधिकारी जो है, ये जो पकड़ा गया है, ये तहसील कार्यालय में ही नीचे की तरफ इसका कार्यालय है, वहाँ पे बैठता है, और जिसका नाम शशिकांत पड़ौले है। उसके अलावा तलाटी है, वो ससुनगर का है, और खाजगी इसम फिर से याद रखना, मैं आपको खास बार बार दोहराते जा रहा हूँ खाजगी इसम, उसके पीछे में कुछ स्टोरी आपको बताने वाला हूँ। तो ये 3 जनों के ऊपर कार्यवाही हुई, ये तो है बड़ी खबर। ये कल शाम को और रात को ये खबर आई थी, लेकिन रात में देरी हुआ और प्रेस नोट बाद में देर रात्रि प्रेस नोट जारी हुआ। तो ये तो थी कार्यवाही की। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ यही लोग आरोपी है? तो मैं तो मानता हूं नहीं। उसका कारण क्या है कि ये जो पैसा इनको मिलने वाला था, ये सिर्फ इनको ही नहीं, ऊपर तक पहुंचने वाला था। ये सिस्टम बना हुआ है, तहसील कार्यालय पूरा का पूरा भ्रष्ट है। उसके कई उदाहरण, कई एग्जांपल आपको मैं आगे भी बताऊंगा। फेरफार नोंदड़ी का इनका जो मेन मुखिया है, इनके प्रदीप दामोदर मोकणे, वो है नायब तहसीलदार। उनकी थोड़ी जीवनी अपन देखें तो पहले उनकी 10वीं पास ना पास के सर्टिफिकेट के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ चुका है, उसका आज दिन तक बराबर पता नहीं लगा है। और मैं वो आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन पहले
पहले के काल में आरोप लग चुके हैं। उससे बड़ी चीज, वो एक बड़ा मुद्दा है ही आज भी, लेकिन दूसरी चीज, प्रदीप दामोदर मोकणे कई सालों से वसई तहसील में पुरवठा अधिकारी थे। फिर इनका प्रमोशन हुआ, पुरवठा अधिकारी से इनका ट्रांसफर हुआ और नायब तहसीलदार बने। अब एक अधिकारी जो हाई क्लास ऑफिसर होता है, उसकी एक जगह पे 3 साल से ज्यादा की ड्यूटी नहीं होती है। तो क्या कारण है कि प्रदीप दामोदर मोकणे जो है आज सालों साल से वसई में ही है? एक बार बीच में कहीं ट्रांसफर हुआ था तो कुछ समय में वापस ट्रांसफर लेके वसई आ गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा ये सोचने वाला पॉइंट है। कितने तहसीलदार आए, कितने तहसीलदार गए, कितने नायब तहसीलदार आए, नायब तहसीलदार गए, लेकिन प्रदीप दामोदर मोकणे यह शख्स आज इतने सालों से यहीं पे है। और भ्रष्टाचार की जड़ में सबसे अहम कड़ी यह भी है, क्योंकि इसको एक 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 चीज का इसको मालूमात है। दूसरी बात, जो मैं खाज की किस्म की बात कर रहा था, आपको मालूम होगा मेरे ही चैनल पे और दूसरे कई पत्रकारों ने 2 अप्रैल 2020 को एक बड़ा ऑपरेशन किया था वसई तहसीलदार के अंदर पुरवठा अधिकारी कार्यालय में। वो पुराना वीडियो है, चाहिए तो मैं लिंक में भी आपको वो डाल दूंगा, वो वीडियो आप जरूर देखना। उस वीडियो में हमने दिखाया था किस तरह से छुट्टी के दिन पूरा तहसील कार्यालय बंद होने के बावजूद बंद गोपनीय कक्ष में 13 लोग मिलकर राशन कार्ड बनाते हैं, 13, जिसमें से 3 जने सरकारी, बाकी 10 जने प्राइवेट। अब प्राइवेट है, अगर आपका सवाल है कि सवाल रहेगा कि प्राइवेट है, अगर मैन पावर नहीं है तो प्राइवेट को लेना पड़ेगा, तो वो सवाल बराबर है। लेकिन उसमें ये मेरे पास एक पत्र है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये परिपत्रक है माननीय कलेक्टर महोदय का 2016 का। ये परिपत्रक मैं आपको सुन के बताता हूँ। कलेक्टर महोदय 2016 में थे, उन्होंने इसमें लिखा है, माजा दिनांक 9 फरवरी 2016 रोजीचा तहसील कार्यालय वसई येथील भेटीच्या वेळी असे निर्देशनास आले की कार्यालय मध्ये अनधिकृतपणे खाजगी इसम शासकीय कार्यालयीन काम करत होते, तसेच उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय तलाठी व मंडल अधिकारी यांचे कार्यालयात अनधिकृतपणे खाजगी इसम काम करीत असल्याचे तक्रारी या कार्यालयाकडे प्राप्त झालेल्या आहेत। जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे दिनांक 3/12/2015 व 17/12/2015 रोजीच्या आदेशान्वये लिपिक टंकलेखक व सर्व कार्यालयांना 100% उपलब्ध करून देण्यात येऊन सर्व रिक्त पदे भरण्यात आलेली आहेत। त्यामुळे कोणत्याही कार्यालय प्रमुखांकडे लिपिक टंकलेखक पदे रिक्त नसल्यामुळे सर्व कार्यालय शाखा प्रमुखांनी सदर अनधिकृतपणे काम करत असलेले अनधिकृत खाजगी इसम यांना त्यांच्या कार्यालयामध्ये तत्काळ प्रतिबंधित मज्जाव करावा। तसेच याबाबत सक्त सूचना देण्यात येत आहे की उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय तलाठी व मंडल अधिकारी यांचे कार्यालय अनधिकृतपणे खाजगी इसम नियमित कर्मचारी म्हणून काम करीत असल्याचे आढळून असल्यास अथवा ज्या कार्यालयाच्या बाबतीत लेखी तोंडी तक्रार या कार्यालय प्राप्त झाल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुखाविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी। सदर परिपत्रक अंमलबजावणी तत्काळ करण्यात यावी व तत्काळ त्याबाबत लेखी पूर्तता अहवाल या कार्यालय दिनांक 18/3/2016 पूर्वी सादर करण्यात यावी। ये कलेक्टर साहब ने 2016 में पत्र निकाला, तब के कलेक्टर साहब ने। उसमें सबसे ऊपर उन्होंने जो लिखा है वह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या लिखा है कि मुझे कंप्लेन आया ऐसा नहीं है, उन्होंने लिखा है मेरे आने के दौरान ऐसा महसूस हुआ, यानी कि जब कलेक्टर साहब दौरे पे थे तब भी उनको लगा कि यहां प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं बिना उनकी परमिशन के। दूसरी बात, ये मामला पिछले साल काफी उठा, हमने भी 2-3 बार इसका खबर बनाया, इस खबर को लेकर काफी बवाल भी हुआ। उस दरमियान में अभी जो तहसीलदार मैडम है उज्ज्वला भगत, तहसीलदार मैडम ने खुद एक परिपत्रक निकाला, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस परिपत्रक में तहसीलदार मैडम ने इसी 2016 के परिपत्रक का हवाला देते हुए खाजगी लोगों को निकालने का उसमें आदेश दिया हुआ है, लेकिन वो सिर्फ कागज पर है। तहसीलदार मैडम ने क्या उसका पाठ पूरा, उसका फॉलोअप देखा कि कोई खाजगी व्यक्ति है या नहीं है? नहीं देखा, क्योंकि उनके नाक के नीचे, तहसीलदार मैडम के नाक के नीचे, उनके सामने खाजगी लोग काम आज भी कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज का प्रेस नोट जो है एंटी करप्शन ब्यूरो का वो बोल रहा है खाजगी साहब,
क्योंकि खाजगी सम पैसा मांगने में था। अगर पैसा मांगने में था तो उनका रिलेशन है, वो वहां काम कर रहा है, तभी उसने वो लाश की मांगने की। तो 2 अप्रैल को हमने इतना बड़ा खुलासा किया था, उसके बाद अगर प्रशासन जागा होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। आपने 2 दिन पहले देखा इतना बड़ा मोर्चा हुआ, इसके पहले ये महीने में काफी मोर्चे हुए। पब्लिक के छोटे छोटे काम नहीं होते, दाखिले 5,000 से ज्यादा दाखिले जो है, जाति दाखिले, जाति प्रमाण पत्र, वो पेंडिंग तहसील में पड़े हैं, वैसे तहसीलदार कार्यालय में। ये लोग बोलते हैं हमको खाजगी इसमें चाहिए, तो क्या काम कर रहा है? तो ये काम ये होता है, फेरफार नोंदनी करने का धन उगाही होता है, पैसा उगाही होता है। इसके लिए पब्लिक का काम से इनको कोई सरोकार नहीं है। तहसील कार्यालय सबसे भ्रष्ट कार्यालय, मैं ये कहूंगा, सबूत के साथ कहूंगा। उसके बाद यही पिछले साल 2020 में, यही साल में 2020 में फरवरी में मैंने ही खुलासा किया था और दूसरे पत्रकारों ने खुलासा किया था, वसई के जीजी कॉलेज में 200 ट्रक धान का साठा रखा गया था बिना वरिष्ठों की परमिशन, 40,000 बोरी, उस पर भी जांच नहीं हुई, न ही 2 अप्रैल के कांड के ऊपर जांच हुई। इसके बाद क्या होता है, जुलाई महीने में इसी तहसीलदार कार्यालय को पूछने जाते हैं, तब गुनाह दाखिल होता है पत्रकार के ऊपर, 353 पत्रकार के खिलाफ 353 का गुनाह दाखिल होता है। जब पूछने जाते हैं कि आपने परिष्टों की परमिशन ली है कि आप खाजगी सम को कैसे रख रहे हैं, यह है तहसील कार्यालय का भ्रष्टाचार। आपको मैंने अभी जैसे बताया कि अभी हाल ही में ये हुए आंदोलन, हुए उपोषण, हुए मोर्चे आ रहे हैं, उसको लेकर भी अभी एक नया विषय सामने आया है। मोर्चे का विषय ऐसा है कि ये मोर्चा तहसील कार्यालय से लगकर वसई का कोर्ट भी है, और कोर्ट परिसर ऐसा होता है कि जहां 9 वॉल्यूम जोन होना चाहिए, जहां पर 9 वॉइस, जहां शोरगुल आवाज नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, लेकिन कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। लेकिन उसके व्यतिरिक्त एक एडवोकेट है, उन्होंने जरूर कोर्ट में एक पत्र लिखा है कि आप आदेश दो ताकि इस तरह से यहां चल रहे। उनका ये कहना है कि मोर्चा जो है वह संवैधानिक अधिकार है, उससे उन वकील साहब जो है उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका दिक्कत यह है कि मोर्चा आने से जो तकलीफ होती है, और मोर्चा कोई भी लेकर आता है, कोई भी पक्ष संगठना जब मोर्चा लेकर आता है तो उसके पहले पुलिस प्रशासन को, तहसील प्रशासन को, सबको अवगत कराता है पत्र देकर। तो इनका यह कहना था कि मोर्चा स्थल जो है बदला जाए, क्यों नहीं चीमा जप्पा जी मैदान या कहीं पे, वहां जाकर तहसील कार्यालय के या उपविभागीय अधिकारी के कार्यालय के या पुलिस अधिकारी वहां जाकर उनकी बात सुने। तो एक बड़ा विषय ये भी है, क्योंकि लोगों को तकलीफ होती है मोर्चा आते हैं, इन बेशरम अधिकारियों को तो काम करना नहीं है, और मोर्चा लाना आम जनता का अधिकार है, तो मोर्चा लाएंगे। अब एक विषय और, मैं आपका ध्यान एक विषय पर और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वो विषय है अपने आप को सुपर पावर समझने का। सुपर पावर यानी कि सरकारी आदेश ये है कि कोई भी अधिकारी अपनी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती, नीली बत्ती का प्रयोग नहीं कर सकता है, कुछ अपवादों को छोड़कर, जिसमें पुलिस विभाग हुआ, अग्निशमन विभाग हुआ, एम्बुलेंस हुआ, इनको सिर्फ परमिशन है गाड़ी पर लाल बत्ती, नीली बत्ती लगाने का, उसके अलावा किसी को परमिशन नहीं है। लेकिन वसई तहसीलदार मैडम सब कानून से ऊपर है, उनकी खुद की गाड़ी के ऊपर आप फोटो में देख सकते हैं, तहसीलदार मैडम की खुद की गाड़ी के ऊपर नीली बत्ती लगी हुई है। अभी हाल ही में मामला उठा था वसई विरार महानगर पालिका आयुक्त की गाड़ी के ऊपर ये बत्ती, नीली बत्ती, लाल बत्ती लगी हुई थी, तो उसका मामला उठा था। उसके बाद आयुक्त ने, जो कि एक IAS ऑफिसर है, आयुक्त गंगाधरन डी ने मामला उठने के बाद में, और किसी पत्रकार द्वारा ये मामला उठाने के बाद में अपनी गाड़ी से नीली बत्ती, लाल बत्ती को हटा दिया। लेकिन तहसीलदार मैडम उसके बावजूद, जो कि जूनियर है रैंकिंग में, IAS भी नहीं है, अपनी गाड़ी पर बाकायदा नीली बत्ती लगाकर घूमती है। उप विभागीय अधिकारी महोदय की गाड़ी के ऊपर भी नीली बत्ती नहीं है, जो उनसे सीनियर है उनके डिपार्टमेंट में, हालांकि वो भी अपनी गाड़ी में अंदर नीली बत्ती लेकर चलते हैं लेकिन ऊपर नहीं लगाते हैं, तो उनकी गाड़ी पर नहीं है। लेकिन तहसीलदार मैडम कानूनों को ताक में रखकर, यानी कि पूरा का पूरा तहसील प्रशासन जो है वो कितना भ्रष्ट है, कितना अपने आप को कानून से ऊपर समझता है, ये आपको मालूम पड़ेगा।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि तहसील प्रशासन का भ्रष्टाचार लोगों के सामने आए और जो तहसील प्रशासन में जो बैठे हैं अधिकारी कर्मचारी क्या मालूम उनकी डिग्री भी असली है कि फर्जी है मालूम नहीं, क्योंकि वो साबित कर ही नहीं पाए कि दसवीं पास है कि नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरोप लगाने वालों ने लगाए तब भी। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इन तहसीलदार कार्यालय में जो चल रहे कारोबार है उसके बारे में सब जनता को बताइए ताकि जनता आवाज उठाए और इनको घर पे बिठाया जाए। ये शशिकांत पड़ौले जिनके ऊपर आज कार्यवाही हो चुकी है, इनके ऊपर पहले भी एंटी करप्शन की रेड हो चुकी है, ये पहले भी सस्पेंड हो चुके हैं, उसके बावजूद ये लोग बाज नहीं आते। और इनको सबको शेय कौन दे रहा है, कौन दे रहा है? तहसीलदार मैडम खुद, नायब तहसीलदार प्रदीप दामोदर मोकणे खुद, नायब तहसीलदार उमाजी हेड़कर खुद। हमारे चैनल इतना ही कहना चाहूंगा। लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।